नगर कौंसल दीयां चोणां नूं लैके सरगर्मियां तेज हो गईयां ने। उत्थे ही कांग्रेस दे कुछ वर्करां वल्लों मोगा जिले दे भाजपा दे प्रधान विनय शर्मा दे घर उत्ते हमला कीता गया अते विनय शर्मा दे परिवार नाल गाली गलोच वी कीती गई। इस मौके पुलिस ने पहुंच के हालात नूं काबू च लिया। उत्थे ही इस घटना नूं लैके मोगा जिले दे भाजपा वर्करां दे वल्लों नगर निगम अते नगर कौंसल दीयां चोणां लई प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती गई सी। ते इस मौके एडवोकेट सुनील गर्ग ने दस्या कि नगर निगम दे चोणां विच इस बार भाजपा 80% सीट उत्ते चोण लड़ रही है, जो कि पहला अकाली दल दे नाल मिलके 20% सीट उत्ते चोण लड़दी सी। इस बार यह सानू चोण लड़न लई दबाव पा रहे सन अते साडे उम्मीदवारां दे पोस्टर भी उतार रहे ने अते उम्मीदवारां नूं धमकियां भी दित्तियां जा रहियां ने। उन्हां कहा कि असीं इस दी शिकायत भी प्रशासन नूं दित्ती है अते शांति नाल चोण लड़ना चाहुंदे आं, लेकिन कांग्रेस दे वर्कर गुंडागर्दी कर रहे ने अते असीं इह कदे बर्दाश्त नहीं करांगे। देखो, अज जिहड़ी सारी कांग्रेस पार्टी है और अकाली दल है, इस गल तों घबराया होया है। जिन्हां नूं इस गल दा पता लग्गिया वी 3 महीने पहलां जिहड़ी पार्टी 20% सीटां ते इलैक्शन लड़दी सीगी, वो अज 80% सीटां दे उत्ते अपने चोन निशान दे नाल ये इलैक्शन लड़ रही है। इस घबराहट दे नाल उन्होंने साडे कार्यकर्ताओं का मनोबल सिटन दे लई एक साजिश के तहत एक प्रोग्राम शुरू किया। पहला नॉमीनेशन वेले कैंडीडेटां नूं डराया गया भी तुहाडे घर दे बाहर धरने लगनगे, तुहाडे घर दे बाहर तुहानूं निकलन नहीं दिता जाऊगा, तुहानूं इलैक्शन नहीं लड़न दिता जाऊगा। जे भारतीय जनता पार्टी के सारे जिहड़े कार्यकर्ता ने वो शांति प्रिय संविधान नूं कानून नूं मनन वाले ने और इस गल दी तकलीफ नूं देखदे होए साडे जिहड़े कैंडीडेट ने 80% सीटां दे उत्ते पंजाब च इलैक्शन लड़ रहे ने। मोगे दे विच 30 सीटां दे उत्ते कमल दे फुल दे निशान दे उत्ते जिहड़े इलैक्शन हो रहे ने। इस दे बावजूद हुण किसानां नूं बदनाम कर रहे ने, साडे कैंडीडेटां नूं डराउण दे लई उहनां दे पोस्टर फाड़दे ने, पोस्टरां दे उत्ते कालस मलदे ने और विनय शर्मा जी दे कल 7 बजे इकट्ठे हो के इन्हां पार्टियां दे गुंडियां ने किसानां दा नां लै के गंदियां गालां कढ़ियां, गंदी शब्दावली प्रयोग कीती और उत्थे आ के हुदलंग मचाया। और मौके दे उत्ते इलैक्शन दा समां होण करके भारतीय जनता पार्टी दे सारे शांति प्रिय कार्यकर्ता उत्थे इकट्ठे हो गए और उस इकट्ठ नूं देखदे होए पुलिस ने उत्थे जमावड़ा कीता और वो जिहड़े लोग सी शरारती उत्थों चले गए। मैं इस प्रैस कॉन्फ्रेंस दे राहीं उन्हां नूं दसना चाहना है भी असीं जिथे जिथे इलैक्शन लड़ रहे हैं साडे कार्यकर्ता दा मनोबल उच्चा है, वो शांति नाल इलैक्शन लड़नगे। और जे ये इस गल तो बाज ना आए, जे इन्हां ने किसानां नूं बदनाम किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानां दी भी हितैषी पार्टी है, सारे किसान शांति प्रिय अंदोलन की सारे लीडर अपील करते हैं, इदां दे हुदड़ंग दी इदां दे पोस्टर फाड़ने कैंडीडेटां नूं डराना किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं हैगा। किसानां दा इन्हां ने किसानां दे नां दे उत्ते जो उन्हां नूं बदनाम करन दी कोशिश कीती है, भारतीय जनता पार्टी उहदा पुरजोर जवाब दो, रात भी दित्ता जिहड़ा पार्टी साडे पार्टी कर्तावां कार्यकर्तावां ने रात भी उहदा जवाब दित्ता, वह पिछे नहीं हटे, वो शांति प्रिय है, लेकिन जे कोई उन्हां दे गल नूं हथ पाऊगा तां ओह इस लड़ाई नूं लड़ना भी जानदे। सो बीजेपी प्रधान विनय शर्मा दे घर ते होए हमले दा बीजेपी वर्करां वल्लों कांग्रेस दे वर्करां ते इल्जाम लगाए जा रहे ने। हर खबर दी ताज़ा अपडेट दे लई साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो, फेसबुक चैनल नूं लाइक अते शेयर करो।